हेलो फ्रेंड्स, वेल कम टू आदर्स एकेडमी। माय सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अपने कंबाइंड टेस्ट को देखेंगे, जो हम जैसे कि सामान्य ज्ञान और आपका हिंदी का कंबाइंड टेस्ट हो रहा था। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आपने नहीं दिया है तो सारे वीडियोस को में आप पार्टिसिपेट कीजिए, सारे टेस्ट को देखिए, ठीक है, और सवालों का जवाब भी देते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो से संबंधित भी वीडियोस लाए जाएंगे हमारे चैनल में, तो आप अगर तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसकी उस वीडियो की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आपके कोई फ्रेंड है जो तैयारी करते हैं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी, लखनऊ। बी इज़ द करेक्ट आंसर। जनवरी 2018 में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नासा द्वारा छोटे तारों पर नजर रखने वाला कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ए, स्पार्कर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला कोयला से गैस रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है बी, ओडिशा। ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। मेला आंचल की रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है बी, फणीश्वर नाथ। बी इज द करेक्ट आंसर। दिए गए विकल्पों में वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, इसका बहुवचन बताना है आपको, प्रजा का। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स प्रजा। ओके, प्रजा जो है एक बहुवचन शब्द है। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका सही उत्तर है डी, बेमेल चीजों का मिश्रण। डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1984 में सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एक नए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया? किसकी अध्यक्षता में, आपको ये बताना है, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इसका सही उत्तर है डी, न्यायमूर्ति शिव नारायण ढिगरा। ओके, न्यायमूर्ति शिव नारायण ढिगरा इज द करेक्ट आंसर। ओके, किस अभयारण्य को बेमानाट पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर फ्रेंड्स सी, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। सी इज द करेक्ट आंसर। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ए, के सॉरी बी आंसर सही है, केवल ए, राष्ट्रपति द्वारा पद च्युति। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरे। मैं अध्यक्ष डैश अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने डैश निवेदन करता हूँ। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसका उत्तर जो है वो है सी, को का मतलब मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। काट होना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका सही उत्तर है सी, निश्चेष्ट होना। फ्रेंड्स, हम इसको आपको थोड़ा सा अगर दिख रहा है तो इसमें देखिए साइन दिया है सही आंसर पर। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। इसका उत्तर है सी, निश्चेष्ट होना। सी इज द करेक्ट आंसर। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर है फ्रेंड सी, निरर्थक। सी इज द करेक्ट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? मतलब अगर RTI के तहत कोई सूचना लेने गया, कोई चीज़ के बारे में लेने गया और उसे नहीं मिला, तो वो कितने दिनों के अंदर जो है वो अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? इसका सही उत्तर है 30 दिन के अंदर, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। ESOP में ई किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स डी, एम्प्लॉय। डी इज द करेक्ट आंसर। बोना पर बच्चों का होने वाला बोनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है?
इसका सही उत्तर फ्रेंड्स थायरोक्सिन हार्मोन, ओके सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको ये दो वक्तव्य पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों, मतलब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। बिल्कुल सही, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ए एंड बी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। नेक्स्ट वन, डैश एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भाप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है डी, स्पाईवेयर, डी इज द करेक्ट आंसर। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? बहुत फेमस है, प्रकाश संश्लेषण, ओके। इंग्लिश में से फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, इसका सही उत्तर है बी, लाल प्रकाश, ओके बी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से आती है? इसका सही उत्तर है जल से, ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा कंबाइंड टेस्ट, आई होप वीडियोज आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, हमें मोटिवेट करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। किसी प्रकार की क्वेरी हो या आंसर करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स कमेंट के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।